नमस्कार, मैं हूं निलम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, आपको दबंग फिल्म्स कैसी लगती है? लाइक यू नो, जब सलमान खान की चुलबुल पांडे की जब फर्स्ट दबंग आई थी, तब आपको वो कैसी लगी थी, सेकंड कैसी लगी थी एंड थर्ड कैसी लगी थी? तो जैसी भी लगी थी वो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और जिनको अच्छी लगी थी, जो मुझे पता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, लेकिन उनके लिए मेरे पास गुड न्यूज ये है कि दबंग की अब भाई एनिमेटेड वेब सीरीज आने वाली है। जी हाँ, ये वेब सीरीज जो है वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नजर आने वाली है। और ये जो सीरीज है, इसके एक सीरीज में 52 एपिसोड्स होंगे, जिसमें आधे आधे घंटे का एक एपिसोड होगा। अब कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये आने वाली है, हॉटस्टार पर आने वाली है या नेटफ्लिक्स पे आने वाली है या फिर अमेजोन प्राइम पे आने वाली है, Z5 पे आने वाली है, ऑल्ट वाला जी पे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी जो फिल्म के निर्माता हैं अब्बास खान, वो हर OTT प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सबके साथ में नेगोशिएट चल रहा है, मतलब कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि, लेकिन अभी कंफर्म ये नहीं हुआ कि आ कहां पर ये, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि हाँ, इसे वेब सीरीज एक सीरीज की तरीके से, एनिमेटेड एक कार्टून की तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। वेल, जब अब्बास खान ने एनिमेटेड सीरीज के बारे में बात करी है, तो उन्होंने इस चीज के बारे में काफी खूबियां ये बताई है कि भाई ये एक फैमिली पिक्चर्स है, एक फैमिली सीरीज है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। और चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है वो हर किसी के अंदर बसता है, मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान अपने अपने अंदर एक चुलबुला रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इस सीरीज को काफी पसंद करेंगे। साथ ही आपको सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर हो गया, विनोद खन्ना का कैरेक्टर हो गया, खुद अब्बास खान का ये कैरेक्टर हो गया, आपको ये सभी जो है वो एनिमेटेड तरीके से नजर आने वाले हैं। वेल दोस्तों, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, तो आप कितना एक्साइटेड है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अगर आपके पास में हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन हो या आप कोई ऐसी बात जानना चाहते हो, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब या फिर आपकी कहीं भी बात को जरूर पूरा करेंगे। तो अभी के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।